हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो यहाँ पर आज आप सीखने वाले हैं एम्प्लॉई सर्वे फॉर्म। जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है और वहाँ पर आप कोई सर्वे फॉर्म लगाना चाहते हैं और आप अपने कंपनी के एम्प्लॉई या कि जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है उनके एम्प्लॉई से आप वहाँ पर अपना फीडबैक लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सर्वे फॉर्म बनाएंगे। तो वो सर्वे फॉर्म की जो वेबसाइट है वो आपको कैसे बनाना है, तो वो बहुत ही आसान है। ये आपको यहाँ पर दिख रहा है सर्वे फॉर्म, और यहाँ पर देखिए सबमिट। ये सभी सब फॉर्म को यहाँ पर फिल करने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट करना है। अभी मैं यहाँ पर इंटरनेट से देखिए कनेक्टेड नहीं हूँ, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर सबमिट जैसे ही मैं करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आपको आउटपुट कुछ इस तरह से मिलता है। तो इसलिए जैसे ही आप इंटरनेट से कनेक्ट होंगे और यहाँ पर आप वो लिंक देंगे, वो सभी चीज़ें मैं आपको आगे सिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, ये सर्वे फॉर्म बनाने के सिंपल ये टेक्स्ट लिखना है। ये हमारा सिंपल टेक्स्ट है और ये भी हमारा टेक्स्ट है, और यहाँ पर ये सभी टेक्स्ट हैं। और इसके बाद यहाँ पर आपको बना देनी है टेक्स्ट एरिया। आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है कि आपको सेंटर में रहे, ये थोड़ा आप एरिया इसकी बढ़ाना है। यहाँ पर रेडियो बटन और यहाँ पर चेक बॉक्स, ये सभी चीज़ें जो हैं ये आपको यहाँ पर बनाने ही। तो ये आपको देखिए यहाँ पर चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स हमारा सभी चेक हो गए। रेडियो बटन अल्टरनेट रहता, देखिए यस में करता हूँ तो अब नो में करूँगा तो यस से हट जाएगा। ये देखिए ये अल्टरनेट रेडियो बटन ऐसे चलता है। फिर यहाँ पर ये हमारा सेलेक्ट टैग हम लगाते हैं यहाँ पर, ऑप्शन टैग यहाँ पर, तो फिर उसको इस तरह से करते हैं यहाँ पर सबमिट बटन। तो चलिए अब चलते हैं सीधे कोड एडिटर की तरफ। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है, ये आपको समझने के लिए है जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर डॉट टाइप HTML का मतलब है कि दिस इज हाउ HTML कमेंट्स लुक लाइक। ये HTML कमेंट हमें डॉक टाइप HTML हमारा मतलब डॉक्यूमेंट का टाइप बताता है। अब इसके बाद देखिए जो HTML है, तो ये तो हमने आपको कई बार सिखाया, द टाइटल विल अपीयर ऑन द पेज, ये हमारा टाइटल होता है, हेड और टाइटल। इसके बाद यहाँ से हमारा हेड क्लोज और यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा बॉडी। अब आपको पता है यहाँ पर कि बॉडी टैग में हम पूरी एडिटिंग इसकी करते हैं बॉडी टैग के अंदर। तो बॉडी टैग के अंदर हमने स्टाइल दिया हुआ है, स्टाइल के अंदर हमने यहाँ पर लिखा हुआ बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में URL लिख करके यहाँ पर हमने उस बैकग्राउंड की यहाँ पर URL लगा दी। ये बैकग्राउंड कहाँ पर दिख रहा है आपको, ये जो आपको यहाँ पर ये ब्लैक कलर का पीछे बैकग्राउंड दिख रहा है वो हमने उसकी URL यहाँ पर दे दी हुई है। तो आपको यहाँ पर URL दिख रहा है, एज इट अ सर्वे फॉर्म वी विल नीड टू सबमिट द डिटेल, हेंस वी यूज फॉर्म, वी कैन गिव एब्सोल्यूट URL और रिलेटिव URL लाइक नेक्स्ट पेज डॉट JSP एंड स्पेसिफाई पोस्ट और गेट मेथड। यहाँ पर देखिए एक इसके बाद हमने यहाँ पर फॉर्म टैग लेना है, आपको यहाँ पर फॉर्म टैग लेना है, और आपको यहाँ से एक्शन आप यहाँ से हटा सकते हैं, एक्शन के भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक्शन हमने लगाते हैं जो कि यहाँ पर जो सोर्स होता है वहाँ पर हमें पहुँचाना होता है, उसके लिए हम यहाँ पर एक्शन यूज़ करते हैं, लेकिन अभी तो हमें कुछ करना नहीं है। यहाँ पर देखिए इफ़ वी रिमूव दिस Everything will move to the left of the page. And यहाँ पर देखिए DIV टैग हमें लेना है। हमने यहाँ पर फॉर्म लिया, अब फॉर्म अभी हमारा कहाँ पर क्लोज हो रहा है, देखिए आखिरी में जाकर के फॉर्म क्लोज होगा। अब जो चीज़ें हमें लिखनी है वो फॉर्म के अंदर लिखनी है। तो यहाँ पर एक DIV लिया, DIV को हमने दे दिया अलाइन सेंटर, DIV देखिए हमारा आखिरी में क्लोज होगा फॉर्म के जस्ट ऊपर। अब ये जो चीज़ें हमने यहाँ पर लिखेंगे फॉर्म के अंदर, जो चीज़ें मैं लिखूँगा वो सभी चीज़ें हमारी सेंटर में आती चली जाएंगी। तो ये हमने देखिए फॉर्म के अंदर ये सभी चीज़ें लिखी, अभी तो हमने क्या बैकग्राउंड लगाया हुआ है, अभी ये हमने कुछ नहीं दिया हुआ है। तो इसके बाद जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर करूँगा वो हमें पूरा सब दिखेगा, कहाँ पे वो हमें दिखेगा, हमें वो सेंटर में दिखेगा क्योंकि हमने DIV दे दिया, अलाइन यहाँ पर सेंटर कर दिया है, एड्स अ हेडिंग टू द फॉर्म। एंड यहाँ पर देखिए इसके बाद हमने एक बी टैग लिया, और बी टैग में स्टाइल हमने दे दिया यहाँ पर, कलर वाइट दे दिया और फॉन्ट साइज यहाँ पर 20 पिक्सल दे दिया। तो स्टाइल में देखिए ये कलर आपको ये टेक्स्ट जो दिख रहा है, इंटरव्यूर नेम, इंटरव्यूर डिपार्टमेंट, ये हमने, ये तो आपको DIV में दिया, तो सेंटर टैग हमने लगाया, सॉरी DIV में दिया अलाइन सेंटर लगा दिया, सभी सेंटर में आ रहा है। और इसके बाद यहाँ पर ये आपको वाइट दिख रहा है क्योंकि हमने बी टैग के अंदर स्टाइल दिया। बी टैग का सबसे पहले यहाँ से इसको मैं हटाता हूँ, अभी यहाँ से इसको मैं एक सेकंड इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और अब इसको हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर बी टैग को मैं लाता हूँ और यहाँ पर इसको वापस सेव करूँगा। अब देखिए वहाँ पे क्या फ़र्क होगा, अभी ये मैं तो वाइट दिख रहा है, लेकिन जैसे मैं रिफ्रेश कर लूँगा देखिए क्या होगा, ये देखिए वो सब हट गया, वो ब्लैक हो गया टेक्स्ट यहाँ पर। अब इसलिए हमने वहाँ पर स्टाइल दिया था बी टैग के अंदर कि जिससे कि वो हमें टेक्स्ट का कलर यहाँ पर, क्योंकि बैकग्राउंड ब्लैक है इसलिए आपको वो दिख नहीं रहा,
अब जैसे ही मैं यहाँ पर देखिए इसको लिख देता हूँ स्टाइल में कलर वाइट और फ्रंट साइड 20 पिक्सल, तो अब आप मैं रिफ्रेश करूँगा, जैसे अभी मैं इसको फिलहाल सेव कर देता हूँ पहले। अब देखिए जब मैं रिफ्रेश करूँगा देखिए वापस से वो सभी चीज़ें आ जाएंगी, ये देखिए वो सभी चीज़ें आ गई हैं। तो ये हमें इसलिए करना है, बी टैग का मतलब होता है कि बी टैग हमारे टेक्स्ट को कर देगा बोल्ड। बी टैग को भी हमने यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है और जा करके यहाँ पर बी टैग को देखिए आखिरी में क्लोज किया हुआ है। अब इसके बाद H1 में हमने दिया स्टाइल, H1 में हमने क्या दिया एम्प्लॉय सर्वे फॉर्म लिखा और यू टैग के अंदर लिखा और स्टाइल में कर दिया इसको कलर रेड। तो H1 में देखिए यहाँ पर एम्प्लॉय सर्वे फॉर्म ये रेड आपको कलर दिख रहा है और ये अंडरलाइन भी दिख रहा है, यू टैग हमने दिया हुआ है और स्टाइल में कलर हमने रेड दिया तो दिख रहा है। ये इसको येलो कर दीजिए, आपको यहाँ पर फर्क समझ में आ जाएगा। अब चलिए मैं इसको ये देखिए मैं रिफ्रेश कर दूँगा, देखिए एम्प्लॉय सर्वे फॉर्म येलो हो चुका है, लेकिन फिलहाल मैं इसको वापस से रेडी कर दूँगा। ये अभी आपको बस समझाने के लिए मैंने ये किया, ये हमारा हो गया, अभी वापस से ये हो जाएगा रेड, ये देखिए रेड हो गया। अब ठीक इसके बाद अब हमें क्या करना है, अब नीचे का ये बनाना है, ये टेक्स्ट लिखना है और यहाँ पर टेक्स्ट एरिया बनानी है। अब ये टेक्स्ट एरिया सिंपल तीन में वही काम करेगा, फिर हमें एक्स्ट्रा क्या करना है यहाँ पर रेडियो बटन और यहाँ पर चेकबॉक्स और यहाँ पर ऑप्शन वाला और यहाँ पर सबमिट बटन। अब इसके बाद देखिए ये हो गया, अब H1 एक और हमने लिया यहाँ पर, ये तो H1 हमारा हो गया। अब इसके बाद हमें इंटरव्यूअर नेम सिंपल लिख देना है बाहर, तो ये जब इंटरव्यूअर नेम हम लिखेंगे यहाँ पर बाहर तो हमें कुछ इस तरह से दिखेगा इंटरव्यूअर नेम। अब इसके बाद टेक्स्ट एरिया बनानी है हमें, तो इसके लिए इनपुट टाइप टेक्स्ट देना है, नेम यहाँ पर यूज़र नेम, साइज यहाँ पर आप दे दीजिए अपने हिसाब से, मैं 35 रखी है, मैक्स लेंथ हमने 35 और वैल्यू में हमने यहाँ पर कुछ नहीं दिया, वैल्यू में आप कुछ भी दे सकते हैं। और प्लेस होल्डर भी आप अगर यहाँ पर देते हैं तो प्लेस होल्डर में आपको हमने कई बार बताया कि प्लेस होल्डर जैसे यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ ब्लैंक है तो प्लेस होल्डर आप दे देंगे, वहाँ पर लिखेंगे कि फिल योर नेम एंड जो कुछ भी आप लिखना चाहते हैं वहाँ पर वो सभी चीज़ें यहाँ पर आपको थोड़ी दिखने लगेंगी, और जब आप वहाँ पर नाम ऐसे टाइप करेंगे तो वो हट जाएगा फिर। तो प्लेस होल्डर के बारे में हमने आपको बताया था, आप देख भी लीजिएगा, हमने वीडियो अपलोड किए हुए उसके बारे में। अब इसके बाद ऐड स्पेस ऐड करने के लिए हमने यहाँ पर बी आर टैग यूज़ कर दिया, तो हमने ये प्लेस होल्डर ये जो हमने टेक्स्ट एरिया बनाई, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए हमने बी आर टैग दे दिया, 4 BR हमने दे दिया, तो यहाँ पर देखिए इतना सारा यहाँ पर इंटरव्यूर डिपार्टमेंट और इंटरव्यूर नेम के बीच में यहाँ पर गैप हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए इंटरव्यू डिपार्टमेंट हमें लिखना, जैसे सेम इंटरव्यू नेम लिखा हमने यहाँ पर, सेम इंटरव्यू डिपार्टमेंट लिखा और सेम वही हमने टेक्स्ट एरिया बना ली, इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम यहाँ पर डिपार्टमेंट हमने लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, मैक्स लेंथ वही 35 और मैक्स लेंथ यहाँ पर 35 वैल्यू दे दी और यहाँ पर कर दिया इसको BR को। तो कुछ इस तरह से ये हमें करना है। अब फिर ठीक इसके बाद टेल अस अ लिटिल अबाउट योर सेल्फ, अब इसके बाद भी हमें सेम वही चीज़ें करनी है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए इसकी साइज़ थोड़ी सी हमें यहाँ पर बढ़ानी है, दोनों की साइज़ तो सेम थी लेकिन इसकी हमें साइज़ यहाँ पर देखिए बढ़ाना है। तो उसके लिए यहाँ पर अब देखिएगा यहाँ पर हमें यूज़ करना है क्या, टेक्स्ट एरिया। यहाँ पर अभी हम इनपुट टाइप यूज़ कर रहे थे, ये देखिए दोनों में हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट यूज़ किया, नेम यूज़र नेम और यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट और नेम डिपार्टमेंट, और यहाँ पर हमें यूज़ करना है टेक्स्ट एरिया, जैसे कि आप कमेंट वगैरह लिखते हैं ना तो वो वाला टेक्स्ट एरिया यहाँ पर यूज़ होगा। तो टेक्स्ट एरिया नेम यहाँ पर कमेंट और यहाँ पर हमने कॉलम दे दिया 30 और रो दे दिया है यहाँ पर 4। यहाँ पर देखिए अगर आप कॉलम यहाँ पर अभी देखिए ये 30 हमने यहाँ पर दिया, देखिए इसको मैं बढ़ाता हूँ, अगर यहाँ पर मान लीजिए कि मैं 30 की जगह यहाँ पर मान लीजिए मैं 100 कर देता हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आपको वहाँ पर डिफरेंस समझ में आए। तो यहाँ पर देखिए अभी मैं ये भी आपको देखिए सिंपल दिख रहा है, अब देखिए मैंने सेव कर दिया है, अब रिफ्रेश करूँगा देखिए क्या होगा, ये देखिए ये हमारा बड़ा हो गया। तो आप कुछ इस तरह से इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं 100 से वापस से हटा देता हूँ इसको, इतना बड़ा मैंने चाहिए, मैं इसको 30 था तो फिर 50 ही कर देता हूँ। और यहाँ पर आप कॉलम और रो दोनों बढ़ा सकते हैं, आप रो भी बढ़ा के देख सकते हैं। तो ये हमने कुछ इस तरह से कर दिया, वापस आ गया, अब ये आपको समझ में आ चुका होगा, यहाँ पर आप देख लीजिए। और फिर हमने BR टैग इसको मैं नीचे कर देता हूँ, फिर हमने BR टैग दे दिया, तो ये हमारा यहाँ पर इसके बीच में डू यू एक्सरसाइज एट होम के बीच में और यहाँ पर जो हमने दिया हुआ है इसके बीच में यहाँ पर स्पेस हो गया। अब ठीक इसके बाद यहाँ पर डू यू एक्सरसाइज एट होम ये हमने लिखा, और इसके बाद यहाँ पर रेडियो बटन सेल्फ यूज चूज वन आउट ऑफ द मेनी वैल्यूज़, आपको रेडियो बटन हेल्प करता है कि आप जैसे कि बहुत सारी वैल्यूज रहती है उसमें किसी एक वैल्यू को सेलेक्ट करना होता है, तो वहाँ पर रेडियो बटन हेल्प करता है। वही चीज़ें हमने कमेंट में दे दी है कि रेडियो बटन हेल्प्स यू चूज वन आउट ऑफ
द मेनी वैल्यूज। तो ये सभी चीज़ें हमने यहाँ पर कर दी हुई है। इसके बाद इनपुट टाइप यहाँ पर रेडियो और नेम में हमने exe वैल्यू यस और इनपुट टाइप में रेडियो नेम exe और यहाँ पर वैल्यू हमने यहाँ पर टू दे दिए। आप यहाँ पर वैल्यू ना भी रखें तो कोई अलग ही फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर वैसा यहाँ पर हमने क्या दे देना है, यहाँ पर यस दे दिया एक, हमने एक में हमने नो दे दिया। ये हमें जो डिस्प्ले होना है वहाँ पर वो यहाँ पर चीज़ें हमने दी हुई हैं। यहाँ पर देखिए ये डिस्प्ले हो रहा है यस नो। यहाँ पर भी अगर आप बी आर देना चाहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर यस के बाद आप बी आर दे दीजिए, तो ये जो होगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पर देखिए वो एस और नो के बीच में भी सेम लाइन में सामने दिख रहा है, वो भी इसके बीच में देखिए गैप हो जाएगा। ये देखिए ये नहीं दूसरे लाइन में आ गया, तो यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। उसके लिए भी थोड़ी सी हमें और स्टाइलिंग करनी पड़ेगी, टेक्सचर वगैरह अलाइंस करने पड़ेंगे। तो अभी वो चीज़ें मैं बाद में करूँगा, अभी जो अभी मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ वो बस सिखा देता हूँ। फिर उसके बाद वो चीज़ें अलग ही, हमने पिछले वीडियोज़ में बहुत सारी वीडियोज़ में उसके बारे में बात की है। यहाँ पर देखिए वापस से आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर अब एक हमने बी आर दिया और दूसरे लाइन के लिए हमें जाना है। तो हाउ डू यू लाइक टू रीड अबाउट योर फेवरेट टॉपिक्स। और यहाँ पर पैराग्राफ में अब हमें यहाँ पर चेक बॉक्स लेट्स यू सेलेक्ट मल्टीपल ऑप्शंस। अब यहाँ पर चेक बॉक्स क्या करता है कि चेक बॉक्स आपको मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करवाता है। जैसे कि हमने वहाँ पर रेडियो बटन में क्या होता है कि रेडियो बटन हेल्प यू चूज वन आउट ऑफ द मेनी वैल्यूज एंड चेक बॉक्स लेट यू सेलेक्ट मल्टीपल ऑप्शंस। आप रेडियो बटन में केवल बहुत सारी वैल्यूज में एक वैल्यू सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर चेक बॉक्स में आप यू सेलेक्ट मल्टीपल ऑप्शन, आप वहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनपुट टाइप चेक बॉक्स और यहाँ पर नेम हमने दिया बुक्स, एक वैल्यू हमारी यहाँ पर तैयार हुई। फिर दूसरा इनपुट टाइप में चेक बॉक्स और नेम यहाँ पर वेव हमने दे दिया। नेम आप यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेन आपको यहाँ पर जो दिखाना होता है डिस्प्ले, जैसे बुक्स, ऑनलाइन रिसोर्सेज और यहाँ पर फ़ोन ऐप्स और यहाँ पर मैगजीन्स, ये आपका मेन होता है। यहाँ पर इनपुट टाइप चेक बॉक्स और इनपुट टाइप चेक बॉक्स, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, ये चीज़ें आपको ये बस लिखना है। इसके अंदर आपको जो प्रिंट कराना होता है वो चीज़ें लिखनी। तो इतना करने के बाद आपको यहाँ पर ये देखिए चेक बॉक्स यहाँ पर बन के आ चुका है बुक्स के सामने, यहाँ पर ऑनलाइन रिसोर्सेस, यहाँ पर फ़ोन ऐप्स एंड यहाँ पर मैगजीन्स के सामने भी आ चुका है। तो ये आपको कुछ इस तरह से करना है, कोड लिखना है, तो आपको ये रेडियो सॉरी चेक बॉक्स आपका बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद सेम आपको टेक्स्ट लिखना है जैसे हमने यहाँ पर दिया, तो वही चीज़ें हैं। यहाँ पर बी आर हमने दिया, बी आर के बाद यहाँ पर देखिए लाइन ब्रेक हुआ और यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर हमने ये टेक्स्ट दिया और इस टेक्स्ट के बाद यहाँ पर हमने इसमें भी कुछ ऑप्शंस लगा दिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए एक सॉरी सेलेक्ट टैग हमने यहाँ पर इसको सेलेक्ट टैग में रखना है। जैसे कोई भी चीज़ आपको सेलेक्ट करनी होती है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं तो उसमें आपको सेलेक्ट करना होता है, जैसे कि सेलेक्ट बॉक्स लेट चूज वन ऑफ द मल्टीपल ड्रॉप डाउन ऑप्शंस। ये चीज़ें हमने कमेंट में इसलिए लिख दी हुई हैं ताकि आप देखें तो आपको यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, कोई चीज़ आपकी यहाँ पर मिस ना हो। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें अगर मैं कोड लिखूंगा तो आपको वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर कमेंट भी बना देता हूँ ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो क्या करता है ये हमारा, ये ड्रॉप डाउन ऑप्शंस को सेलेक्ट करता है सेलेक्टेड। तो सेलेक्ट हमने लिखना है और नेम आपको यहाँ पर लिख देना है और यहाँ पर ऑप्शन ऑप्शन के अंदर हमें देना है ये। तो ऑप्शन हमने ऑप्शन वैल्यू वन में क्या लिखा हुआ है सेलेक्टेड और यहाँ पर ट्रू कर दिया हुआ है, जो भी एक यानी कि हमें एक तो सेलेक्ट करना पड़ेगा तो वो वैल्यू टू रहेगी। ऑप्शन यहाँ पर दूसरे में हमने वैल्यू टू दिया और यहाँ पर रोमांस कॉमेडी, रोमांस थ्रिलर, हॉरर और यहाँ पर बायोपिक, ये हमने सेम एक ऑप्शन तो आप समझा दिया, जैसे कि ऑप्शन टू समझ लीजिए ऑफ वैल्यू टू, यहाँ पर ये रोमांस ऑप्शन, यहाँ पर वैल्यू थ्री थ्रिलर और ऑप्शन यहाँ पर वैल्यू फोर हॉरर और ऑप्शन यहाँ पर वैल्यू फाइव यहाँ पर बायोपिक। और सेलेक्ट को कर देना क्लोज, यहाँ से ये हमारा सेलेक्ट क्लोज होता है, बी आर भी क्लोज हो जाता है। अब इसके बाद हमें बनानी है क्या, सबमिट बटन। अब ये यहाँ पर आप देख लीजिए, ये भी जैसे जो चीज़ें हमने दी, यहाँ मान ली थ्रिलर को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये थ्रिलर सेलेक्ट हो गया। मैं यहाँ पर देखिए रोमांस करता हूँ, ये सेलेक्ट हो गया। कॉमेडी सेलेक्ट करता हूँ, देखिए कॉमेडी सेलेक्ट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें करना है कि मैं इस बार फिर से रिफ्रेश करता हूँ, जो कुछ चेंज नहीं हुआ। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर देखिए ये कहीं से आ गया है, साइन आ गई है, वो साइन कहाँ पर गलती से कहीं आ गई होगी, यहाँ पर ये देखिए एक्स्ट्रा यहाँ पे था इसलिए वो आ रहा है उधर। अब मैं रिफ्रेश कर दूंगा तो हट जाएगा, ये देखिए। अब इसके बाद अब हमें सबमिट बटन बनानी है, तो सबमिट्स द इंफॉर्मेशन एंटर्ड इन द फॉर्म बाय द यूजर।
अब सिंपल आपको इनपुट टाइप में सबमिट ले लेना है और यहाँ पर वैल्यू आपको सबमिट फॉर्म वैल्यू आपको वो रखनी होती है जो वहाँ पर डिस्प्ले होता है। यहाँ पर देखिए सबमिट फॉर्म डिस्प्ले हो रहा है। अगर आप केवल यहाँ पर सबमिट यहाँ पर फॉर्म हटकर मान लीजिए हटा देते हैं तो वहाँ पर देखिए सबमिट बस आ जाएगा। फिर वापस से मैं फॉर्म कर दूँगा क्योंकि सबमिट तो हमने वहाँ पर देखिए टाइप भी सबमिट दिया तो आपको समझने में ज़्यादा सही होगा। यहाँ पर देखिए सबमिट आ चुका है तो अब सबमिट करता हूँ जैसे ही तो वो हमें जंप कर देता है पहले वाले में वहाँ पर हमने सेट दिया था। यहाँ पर सिंपल मैं लिख देता हूँ सबमिट फॉर्म। तो ये सबमिट फॉर्म ने यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर डी आई व्यू कर दिया क्लोज, फॉर्म क्लोज, बॉडी क्लोज, एचटीएमएल भी हमारा यहाँ पर क्लोज हो गया। तो ये देखिए हमने आपको इतने सिंपल वे में ये आपको हमने समझा दिया। देखिए फिर से वापस हमने सबमिट फॉर्म यहाँ पर कर दिया। ये सिंपल वे में आपको सिंपल टेक्स्ट लिखना है और यहाँ पर आपको ये टेक्स्ट लिखना है सिंपल ये, और इसके बाद टेक्स्ट यहाँ पर इनपुट यहाँ पर टाइप बना लेनी है। ये हमारा चेकबॉक्स है, ये हमें रेडियो बटन बनाने हैं। यहाँ पर हमें सॉरी ये हमारा टेक्स्ट एरिया है, ये हमारा रेडियो बटन है और चेक बॉक्स मैंने इसको बोल दिया था चेक बॉक्स, ये हमारा चेक बॉक्स है। यहाँ पर आप चेक अनचेक कर सकते हैं और ठीक इसके बाद ये सेलेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर सेलेक्ट में आप ऑप्शन रखने हैं और यहाँ पर सबमिट फॉर्म कर देना। तो आशा है कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।